थे, मेरे हस्बैंड जॉब करके आए थे, रात में सो रहे थे, मम्मी इतना घबराई हुई थी, मम्मी ने जैसे गोलियां चली, इधर ही से गोलियां चलना स्टार्ट हुई थी, मम्मी ने उनको भगा दिया था कि बाबू तुम भाग जाओ, हाफ लोवर टी शर्ट पहने, वो उस दिन से चले गए, आज तक कुछ नहीं पता। मैं एकदम से डर इनका खत्म कर दूंगा। वो तो बस सर्च और उसके दृष्टिकोण से है, सब सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से है, कोई वैसी बात नहीं है। आप लोगों में भय कितना कम हो गया, डर कम हुआ क्या? ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और जाए बिल्कुल, मैं एकदम से डर इनका खत्म कर दूंगा, मैं इस बात पे विश्वास करता हूं। और हमारे जो सारे पुलिसकर्मी सब लगे हुए हैं, और किसी हर पब्लिक वाले की सुरक्षा का दायित्व तो हमारा है, हम उसको निर्वहन करेंगे। कल विकास दुबे मार दिया गया है, कितना आप लोगों को अब आराम हुआ है? एक भय था, वो भय में क्यों कमी हुई है? नहीं, हमें किसी से भय नहीं था, हम तो अभी एक साल हुआ यहाँ आए हुए, हमें तो तब सही लगेगा जब हमारे हस्बैंड तो रोज़ जॉब करने वाले हैं, जॉब करके अपनी फैमिली में मस्त रहने वाले हैं। अब उनको अगर बिना कुछ इंक्वायरी करे उनको कुछ कर दिया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या मांग है आपकी? मेरी केवल ये मांग है पुलिस इंक्वायरी करे, उन लोगों के सबूत, उन लोगों के बेगुनाह होने के सबूत पूरे पूरे मिल जाएंगे। वो लोग जॉब करके आए थे, मेरे हस्बैंड जॉब करके आए थे, रात में सो रहे थे, मम्मी इतना घबराई हुई थी, मम्मी ने जैसे गोलियां चली, इधर ही से गोलियां चलना स्टार्ट हुई थी, मम्मी ने उनको भगा दिया था कि बाबू तुम भाग जाओ, हाफ लोवर टी शर्ट पहने, वो उस दिन से चले गए, आज तक कुछ नहीं पता।